सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से मीशो ऐप में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते हैं, चाहे वो मीशो हो या फिर शॉपसी हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन है, जिस भी अगर आप लोग शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो आप लोगों को आज हम पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप लोग मीशो से ऑर्डर करना चाहते हैं तो मीशो से भी कर सकते हैं, और सभी एप्लीकेशन में फ्रेंड्स इसी तरीके से ऑर्डर प्लेस होते हैं, कोई भी अंतर यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहां से अपना मीशो ऐप ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग और शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से अपना मीशो ऐप ओपन कर लिया, और आप लोगों ने अभी तक मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, हमने अपना मीशो ऐप ओपन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से पसंद आ रहा है, आप लोग उसे ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको ऑर्डर करना नहीं आ रहा है, तो आज हम पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे कि आप लोग किस तरीके से ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये विंटर आपको एक स्वीट टी शर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह यहाँ से चेक कर लेना है। रिव्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है तो उसके जो प्रोडक्ट जिसने भी बाय किया है वो इसके बारे में नीचे आपको कमेंट करके या फिर प्रोडक्ट के फोटो वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह यहाँ से पता लग जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट के यहाँ से काफ़ी रिव्यू यहाँ पे आ रखे हैं, काफ़ी अच्छा 4.0 की यहाँ पे रेटिंग है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कलर सेलेक्ट कर लेना है, और कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मीशो में फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑल रिटर्न ओनली, रॉन्ग डिफेक्ट आइटम। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग अगर डिफेक्ट प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे आपके पास रिटर्न आता है तो आप लोग यहां से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और या फिर अगर आपको यहां से ऑल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां से अगर रिटर्न करना चाहते हैं, डिफेक्ट नहीं भी है तो भी यहां से रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑल रिटर्न पे क्लिक कर देंगे और यहां से हम बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम सीधा चले जाएंगे अपने यहां से एड्रेस में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहां से ऐड न्यू एड्रेस पे चले जाना है। ऐड न्यू एड्रेस पे जाने के बाद फ्रेंड्स, यहां से आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां से नेम फिलअप करना होता है और फ़ोन नंबर और एड्रेस। एड्रेस में आपको फ्रेंड्स अपने गांव का नाम, अगर आप लोग गांव से रहते हैं और सिटी में रहते हैं तो आप लोग अपने यहां से कॉलोनी वगैरह यहां से डाल सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं, और रोड नेम, एरिया, कॉलोनी। यानी कि फ्रेंड्स, यहां से अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पोस्ट डाल देनी है यहाँ से, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से रोड नेम, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके आसपास कोई रोड निकल रही है तो आप लोग वहाँ से रोड का नाम डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से पिन कोड डाल देना है, आपका एरिया पिन कोड, और उसके बाद सिटी। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग के आसपास जो भी सिटी है आप लोग वहाँ से डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, और नियर बाई लोकेशन ऑप्शनल। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ से किसी भी एड्रेस पर रह रहे हैं तो वहाँ के आसपास आपके कोई भी मंदिर या फिर कॉलेज वगैरह होता है, हॉस्पिटल होता है या फिर बैंक होता है, यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने पहले से यहाँ पर एक एड्रेस फिलअप किया हुआ है, तो हम यहाँ से उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीवरी टू दिस एड्रेस पर यहाँ पर चले जाएंगे। तो हमने इसको क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहां से ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट के। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग UPI यानी कि फ़ोन पे वगैरह से यहां से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां से सभी लोग ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी यूज करते हैं। तो आपको यहां से कैश ऑन डिलीवरी पर यहां से क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहां से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग अपने ऑर्डर की डिटेल वगैरह यहां से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, हमने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है यहाँ से सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने इसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने चले जाना है माई ऑर्डर में भी, आप लोग जाकर अपना जो ऑर्डर है यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहां से अपनी डिलीवरी टाइम और यहां से ऑर्डर को अपने ट्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो कि आप लोग किस तरीके से मीशो से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग अदर शॉपिंग वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।